नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। आज हम देखेंगे कि छायावाद की क्या क्या विशेषताएं हैं या फिर क्या क्या कॉमन टेंडेंसीज है, क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रायः छात्रों को मुझसे शिकायत रहती है कि मैं केवल पढ़ देता हूं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर समझाने की आवश्यकता होती है वहां पर मैं जरूर समझाता हूं, बाकी अब कुछ चीजों को समझाने की आवश्यकता नहीं होती तो वहां पर मैं खाली पढ़कर आगे निकल जाता हूं। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही प्रीमियम टॉपिक है और यूट्यूब में बहुत ही मतलब इस टाइप का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करके मैं बनाया हूं। और छायावाद की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं या छायावाद की जितनी भी विशेषताएं हैं सबको मैंने इसमें समेट लिया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप जितने भी एग्जाम्स में अपियर होने जा रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हों राजस्थान या फिर एमपीपीएससी या फिर आप यूपीएससी में मेंस में उत्तर लिखने जा रहे हों, तो यदि आपकी अवधारणा पर अच्छी पकड़ है तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें मैंने जो छायावाद का जो सीरीज है इसके अंतर्गत मैंने इसमें सभी प्रवृत्तियों को सभी विशेषताओं को समेट लिया है। बस आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप इसे धैर्य से शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैंने उदाहरण के साथ सभी बातों को स्पष्ट किया है, तो आप पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि मेरा लेक्चर आपको लंबा लगे, लेकिन जितने भी इसमें प्रवृत्तियां हैं विशेषताएं हैं पूरी तरह आप समझ जाएंगे और छायावाद के संबंध में आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं उनका निवारण आज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। छायावाद जो है हिंदी कविता में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग किन्होंने किया था? पंडित मुकुटधर पांडे ने किया था। और सन 1920 में जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी उस समय श्री शारदा, उसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से इन्होंने चार चरणों में लेख लिखा था और छायावाद के संबंध में इन्होंने प्रारंभिक विवेचना की थी, उस पर विचार विमर्श किया था। अब यहीं पर उन्होंने प्रवृत्तियों की शुरुआत कर दी थी कि छायावाद की पांच प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की पांच विशेषताओं का उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि छायावाद में पांच प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो क्या क्या होती हैं? पहला वैयक्तिकता। वैयक्तिकता मतलब कवि सिर्फ अपनी निजी अनुभूतियों का वर्णन करता है, अपने वैयक्तिक जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का, अपने निजी मनोभावों का, अपने अनुभवों का वह वर्णन करता है कल्पना के माध्यम से। दूसरी है स्वतंत्र चेतना। स्वतंत्र चेतना मतलब स्वतंत्रता की चेतना। जिस समय छायावाद की शुरुआत हुई थी उसी समय गांधी जी का भारतीय राजनीति में शुरुआत हुआ था, अभ्युदय हुआ था, तो उस समय भारत परतंत्र था, इसलिए हम छायावादी कविता में उनके हिसाब से स्वतंत्रता की चेतना भी सर्वत्र व्याप्त है। तीसरी है रहस्यवादिता। और रहस्यवादिता की जहां तक बात है मैं कहना चाहूंगा, जो हिंदी साहित्य का छायावाद है यह माना जाता है कि अंग्रेजी की जो रोमांटिक कविता है जिसे हम स्वच्छंदतावादी काव्य भी कहते हैं रोमांटिसिज्म, तो यह 18वीं शताब्दी में उसने इंग्लैंड और यूरोपीय कंट्रीज में इसने जन्म लिया था। तो शैली, किट्स, टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ आदि कवि थे। इनका प्रभाव किस पर पड़ा? पहले बंगला साहित्य पर पड़ा, क्योंकि बंगला साहित्य में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल में, और इसका प्रभाव पड़ा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसका प्रभाव फिर हिंदी साहित्य पर पड़ा। तो रहस्यवाद मतलब जो विराट सत्ता है, जो अगोचर है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो ईश्वर है, उसके संबंध में जब कवि अपनी कविताओं में व्याख्या करता है, उसका वर्णन करता है, और प्रकृति के सर्वत्र सभी उपादानों में, सभी उपकरणों में जब वह विराट चेतना का, विराट सत्ता के चेतना को महसूस करता है, तब उसे हम कहते हैं रहस्यवाद। और शैलीगत वैशिष्ट, एक विशिष्ट शैली में कविता लिखी गई जो कि द्विवेदी युग इन कविता से पूरी तरह से अलग थी, तो इसकी विशिष्ट शैली थी। और पांचवा अस्पष्टता, मतलब इसीलिए इसको छायावाद कहा गया कि पता ही नहीं चलता था कि इसका अर्थ क्या है, अर्थ कुछ और निकलता था, इसकी छाया कहीं पर और पड़ती थी, तो व्यंग्यात्मक रूप में इसे कहा जाता था छायावाद।
तो ये पांच प्रमुख प्रवृत्ति हैं, आगे हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अब सरस्वती पत्रिका के जुलाई 1920 के अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की जो कविता है कुरवी के प्रति, इसे छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। तो यह प्राय यूजीसी नेट जीआरएफ में भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो यह सारे यूजीसी नेट या फिर अन्य एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं। मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी हैं। तो मुकुटधर पांडे जी का योगदान यह है। अब हमारा वास्तव में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक यहां पर शुरू हो रहा है। तो जब भी आप परीक्षा में यदि उत्तर लिखते हैं लिखित परीक्षा में, तो आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए उस कविता या जो भी विषय उस वस्तु के बारे में। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा। और यदि आपकी परीक्षाओं में दो कलर के पेन ब्लैक और ब्लू अलाउड हैं, तो हमेशा जिन चीजों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहां पर लाल रंग से हाईलाइट किया हुआ है, तो उनको आप ब्लैक से लिख सकते हैं, तो ज्यादा अच्छे अंक आपको मिलेंगे। और उत्तर लिखते समय आप ध्यान रखें, चाहे आप एनुअल एग्जाम में उत्तर लिख रहे हो, चाहे यूपीएससी या फिर अन्य पीएससी वगैरह कॉम्पिटिशन एग्जाम में यदि आप उत्तर लिख रहे हो, तब आप हमेशा यह ध्यान रखें कि अगर दोनों रंग के पेन अलाउ हैं ब्लैक एंड ब्लू, तो आप ऐसी बातों को जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं हमेशा ब्लैक पेन का प्रयोग करें, बाकी चीजों को आप ब्लू में लिखें। तो छायावाद जिसका समय काल है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, इसकी प्रमुख प्रवृत्ति और विशेषताएं हम पढ़ने जा रहे हैं। छायावादी काव्य विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब होता है कंटेंट, और शैली मतलब लिखने का स्टाइल, इन दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उस समय जो कविता लिखी जा रही थी उससे यह पूरी तरह से अलग है। इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। अब आपको कंफ्यूज है इनके प्रवृत्तियां क्या है, विशेषताएं क्या है, लगभग दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो आप इसी उत्तर को आपको लिखना है और इन्हीं बातों को आपको समझना है। सबसे पहले आत्माभिव्यंजना, तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और आज परीक्षा में यह पूछा जाता है कि छायावाद में की विशेषताओं में इनमें से कौन सी बात शामिल नहीं है या कौन सी प्रवृत्ति शामिल नहीं है, तो आत्माभिव्यंजना, आत्माभिव्यक्ति की मय शैली। आत्माभिव्यंजना होता है खुद को अभिव्यक्त करना, अपने निजी भावनाओं को, अपनी निजी अनुभूतियों को जब कवि मय की शैली में अभिव्यक्ति प्रदान करता है तब उसे कहते हैं आत्माभिव्यंजना। सेल्फ को एक्सप्रेस करना, खुद को एक्सप्रेस करना, व्हेन द पोएट ट्राइज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ हिज ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस, दैट इज कॉल्ड आत्माभिव्यंजना, आत्माभिव्यक्ति की मय शैली। और मय शब्दों का प्राय इसमें प्रयोग होता है। छायावादी कवियों ने अभी मैं इंग्लिश में इसलिए बोल दिया क्योंकि रोमांटिसिज्म से प्रभावित है, इंग्लिश की जो रोमांटिक कविता है उससे प्रभावित है, और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एमए किया हूं तो मैं इन चीजों को अंग्रेजी में भी समझ सकता हूं, हिंदी में भी समझ सकता हूं। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से खोजने का प्रयास किया। तो छायावादी कवियों ने क्या किया, उनकी कविता का जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो अपने व्यक्तिगत जीवन से, निजी जीवन से खोजने का प्रयास किया और उसको विषय वस्तु बनाया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, इवेंट्स, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाए। उनके निजी जीवन के जो दुख और सुख थे, जो उनकी भावनाएं थी, व्यक्तिगत भावनाएं, उनको अपनी काव्य की विषय वस्तु बनाया, इसे कहते हैं आत्माभिव्यंजना। छायावादी कविता में वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है, निजी अनुभूतियों को इन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान किए। जयशंकर प्रसाद जी की एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता है आंसू, और सुमित्रानंदन पंत की उच्छ्वास नामक कविता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो यह इसके उदाहरण है। सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी प्रिया को, अपनी प्रेमिका को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया है। सुमित्रानंदन पंत जी की तुलना जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, अंग्रेजी जो कवि हैं, उनसे तुलना की जाती है। तो सुमित्रानंदन पंत यहां पर कहते हैं, इन पंक्तियों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यह खाली उदाहरण है जिसको आपको परीक्षा में लिखना चाहिए ब्लैक कलर से। विदुर उर के मृद भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी मूंद दुहरे दिग्द्वार। यह सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है, अपने प्रेम को अभिव्यक्ति प्रदान किया है। इसी प्रकार यहां हम देख रहे हैं कवि कैसे अपनी निजी अनुभूतियों को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है, जैसे राम की शक्ति पूजा है, निराला है, तुलसीदास है इत्यादि। तो राम की शक्ति पूजा में जो भगवान राम है
वास्तव में यहां पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है बल्कि आप फिर हमारे जैसे साधारण मनुष्य हैं। तो राम की शक्ति पूजा में राम की निराशा में हताशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज इन पंक्तियों में दिखाई देती है। तो निराला जी को साहित्यिक जगत में बहुत ही अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा, अपने समाज में भी तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनकी बेटी जो सरोज थी उसकी शादी में, उसके विवाह में भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो निराला जी का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। तो राम की शक्ति पूजा में इन पंक्तियों में उनके जीवन की जो दुर्दशा है, जो हताशा है, जो निराशा है, उसको उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो ये राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं। यहां पर कुछ अगर टाइपिंग एरर है तो आप उसको देख के सुधार लीजिएगा, ओरिजिनल टेस्ट को आप पढ़ लीजिएगा। तो राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां कवि के निजी जीवन की अनुभूतियां हैं। महादेवी वर्मा की कविताओं में भी आत्मा विवंजना की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविताओं में है उस पर उनके जीवन की छाया है, ऐसा कहना अनुपयुक्त ना होगा। तो महादेवी वर्मा जी की कविता में उनकी शादी भी हुई थी लेकिन वो अपने पति के साथ में नहीं रही थी। तो महादेवी वर्मा अकेले रहती थी, विवाहित तो थी जरूर, और इनके जीवन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, हमेशा यह परीक्षा में पूछा जाता है। और बौद्ध दर्शन में वेदना या करुणा की प्रधानता होती है, तो इसीलिए उनकी निजी अनुभूतियां और उनका प्रणय निवेदन अज्ञात सत्ता के प्रति उनका जो प्रणय निवेदन है वह उनकी कविताओं में उन्होंने खुलकर उसे अभिव्यक्ति प्रदान की है। और इसीलिए महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी गई है। आप यह ध्यान में रखें, आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। जैसे मीरा भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी वैसे इन्होंने अज्ञात सत्ता के प्रति प्रणय निवेदन किया है, अपने दुख और वेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की है प्रतीकों के माध्यम से। दूसरा है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। तो जो रीतिकालीन जो सौंदर्य चेतना है वैसी सौंदर्य चेतना, मानसल सौंदर्य चेतना इनके अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि इनकी जो इनका जो सौंदर्य है उसमें ग्रेटनेस है, एक उदात्तता है। जो प्रकृति के जितने भी हमारी चीजें दिखाई देती है उसमें एक सौंदर्य का दर्शन करते हैं, है ना। तो इनकी जो सौंदर्य भावना है सूक्ष्म है, अगोचर है, बहुत डेप्थ है उसमें, गहराई है और उदात्त है, बहुत ग्रेट है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मानसलता का नितांत अभाव है। रीतिकाल में जो सौंदर्य वर्णन था वह नायिका के सौंदर्य वर्णन तक सीमित था कि नायिका कैसी दिखती है, कितनी सुंदर है, उसमें मानसलता था, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन अधिक था। लेकिन जो छायावादी जो काव्य है उसका सौंदर्य सूक्ष्म है, अगोचर है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रमी। उन्होंने बाहरी सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है बल्कि भीतरी सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि की जो चेतना है उसके सौंदर्य का वर्णन किया है, अपनी अनुभूति में के सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है, अपनी भावनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति प्रदान की है। अब नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना निम्न पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने अत्यंत आकर्षक ढंग से की है। तो देखिए उन्होंने कैसे सौंदर्य वर्णन किया है, जयशंकर प्रसाद जी ने नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन इन्होंने यहां पर किया है। कमल से जो चारु दो खंजन प्रथम पंख फड़कना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की विकल करते भ्रमर को आनंद से। तो जयशंकर प्रसाद जी ने यहां पर लिखा हुआ है। तो ये सारी पंक्तियां आपको लिखनी है, अगर आप अच्छे अंक चाहते हैं तो इनको आपको उद्धृत भी करना है, आप इन उदाहरणों को समझ पाएंगे उदाहरणों के माध्यम से, यह भी मेरा प्रयास है। शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी उसमें बड़े आकर्षक ढंग से हुआ है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। तो श्रद्धा को कामायनी भी कहते हैं क्योंकि यह काम की पुत्री है, काम गोत्रजा कहा जाता है। श्रद्धा जो है, श्रद्धा किसका प्रतीक है, कामायनी में हृदय का प्रतीक है, और यह आपको ध्यान में रखना है। तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने इसके सौंदर्य का वर्णन किया है श्रद्धा का, इसे हम कामायनी भी कहते हैं क्योंकि यह काम की पुत्री कही जाती है, काम गोत्रजा कही जाती है, काम गोत्र में उत्पन्न। नील परिधान बीच सुकुमार, और जो ईड़ा है वह बुद्धि की प्रतीक है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यह कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कृति है जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और यह शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है।
तो यह परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है कि यह किस दर्शन पर आधारित है। तो बीच-बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताता हूं, जो मेरे नोट्स में मिसिंग रहते हैं, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, सभी चीजों को लिखूंगा तो आपको खुद मजा नहीं आएगा। यहां कवि ने सुकुमार अंग उरोजों का वर्णन तो किया है, किंतु वह सांकेतिक शैली में ही किया गया है। तो उन्होंने उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की खूबसूरती का वर्णन किया है और उसको सांकेतिक शैली में किया है, स्पष्ट रूप से नहीं किया है। तो जो मानसल सौंदर्य जैसे रीतिकाल में था, वैसा यहां पर भी सौंदर्य का उल्लेख उन्होंने किया है, लेकिन किस तरह किया है, सांकेतिक शैली से किया है। सौंदर्य परमात्मा के द्वारा, सौंदर्य क्या है, परमात्मा के द्वारा मानव को प्रदत्त सात्विक वरदान है। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। तो जो सौंदर्य है, चाहे किसी नारी का सौंदर्य हो, चाहे फिर हमारी प्रकृति का सौंदर्य हो, मतलब जो भी चीजें हमको सुंदर दिखाई देती हैं, वह ईश्वर के द्वारा मनुष्यों को दिया गया सात्विक वरदान है। सात्विक मतलब शुद्ध। अब सौंदर्य की अभिव्यक्ति सांकेतिक शैली में उन्होंने की है। श्रद्धा का सौंदर्य फूलों के पराग सुगंध एवं मकरंद, मकरंद मतलब होता है फूल का रस से युक्त है। तो उन्होंने प्रकृति के विभिन्न उपादानों और उपकरणों का यहां पर प्रयोग किया है। तो प्रकृति में जो चीजें पाई जाती हैं, फूलों का जो पराग है, सुगंध है, फूलों का जो रस है, तो श्रद्धा का जो सौंदर्य है, इन सभी चीजों से युक्त है। उन्होंने लिखा हुआ है कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। तो ये भी कामायनी की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को आप याद भी कर लें, परीक्षा में भी पूछा जाता है कि किस सर्ग से लिया गया है और कौन सी पंक्तियां हैं। तो अब श्रृंगार निरूपण, श्रृंगार निरूपण मतलब सौंदर्य का वर्णन। तो सौंदर्य तो यहां नायिका से मुख्य रूप से उल्लेख है। देवी दिन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ और जहां हुआ है वहां भी मर्यादित रूप में है। तो द्विवेदी युगिन में जो हिंदी थी, खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, लेकिन वहां पर एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता था श्रृंगार निरूपण में, नायिका के सौंदर्य के वर्णन में। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए हैं, चित्र अंकित किए हैं, चित्र मैंने लिख दिया यहाँ पर। जो श्रृंगार निरूपण मर्यादित हो गई थी किसमें, द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग की कविता में, रीतिकाल में तो बहुत जबरदस्त थी, तो छायावाद को में यह श्रृंगार निरूपण की फिर से प्रवृत्ति पाई जाती है कवियों में। और इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्ष, वियोग संयोग पक्ष मतलब जब नायक और नायिका का मिलन होता है, और वियोग पक्ष जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्र इन्होंने अंकित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से, प्रतीकों के माध्यम से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है। तो जूही की कली जब उन्होंने लिखी तो उस पर अश्लीलता का आरोप लगा था और ऐसा माना जाता है कि महावीर द्विवेदी जी ने अपने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से भी मना कर दिया था कि जूही की कली एक अश्लील कविता, ऐसा माना जाता था उस समय, क्योंकि जूही की कली कविता में उन्होंने पवन के माध्यम से और कली के माध्यम से क्या किया है, प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं तो उनके प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है, उसका उल्लेख किया है कि प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो क्या होता है। तो निर्दय उस नायक ने निपट निठराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झंझोर डाली। तो नायक कौन है यहां पर, पवन है, हवा या नायक है, जो नायिका है जूही की कली को उसको झंझोर देता है। जैसे आप जानते हैं जब हवा चलती है तो फूल और पत्तियां सब हिलने लगते हैं, तो लेकिन यहां पर इन्होंने इसको सांकेतिक रूप से अभिव्यक्ति प्रदान किया है, यहां पर मानसलता नहीं है, लेकिन इन्होंने व्यक्त किया है कि जब नायक और नायिका मिलते हैं तो उनका प्राणय व्यापार कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो जूही की कली इन्होंने यहां पर इस पंक्तियों को हमने देखा। अब सुमित्रानंद पंत के माध्यम से, अच्छा एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जब हिंदी साहित्य के कुछ छात्र हैं तो मैं आपको कुछ चीजों को सांकेतिक रूप से बताता हूं, लेकिन साहित्य में सारी चीजें आ जाती है, खासकर जब श्रृंगार रस का आप जब वर्णन करते हैं, चाहे संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, या फिर जब हिंदी साहित्य आप जब पढ़ते हैं, तो साहित्य ऐसी चीज है जिसमें सारे विषय समाविष्ट होते हैं, तो आप एक मैच्योर छात्र की तरह इसको हमेशा पढ़ें। सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल कर देता है, मतलब प्रेमिका का जो आकर्षण है वह प्रेमी के मन को पागल कर देता है। तो उनके कविता में प्रेम और श्रृंगार की भावना इस प्रकार से अभिव्यक्त हुई है। तुम में जो लावण्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन, तो
पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन, नहीं जानती क्या निज बल तुम निज अपार आकर्षण। तो सुमित्रा आनंद पंत जी ने लिखा है, वो खुद भी बहुत ही हैंडसम और वो दिखाई देते थे, इसलिए कोमल भावनाओं का कवि उन्हें कहा जाता है, कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है सुमित्रा आनंद पंत जी को। वियोग श्रृंगार, ये जो बीबी के जो बातें बता रहा हूं ना, सब परीक्षा से संबंधित आपके होते हैं। वियोग श्रृंगार के अति भव्य चित्र जयशंकर प्रसाद के आंसू में उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो गई है, इसका चित्र निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। मतलब प्रेमिका से जब प्रेमी बिछड़ जाता है तब क्या क्या होता है, कैसे फीलिंग्स और कैसे इमोशंस उनके मन में जागते हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली सी थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सब ने आग घेरा डाला है। इन्होंने लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, फिर नीचे लिखते हैं, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करोड़ कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। तो यह सब आंसू से ही लिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसको। कभी कभी मुझे पंक्तियां याद भी नहीं रहती हैं, तो आप थोड़ा एक बार टेली भी जरूर कर लिया करिए, बहुत सारी बातें मुझे भी याद नहीं रहती है। अब कविवर सुमित्रानंद पंत जी ने तो यहां तक लिखा है कि वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। वे तो यह मानते हैं कि कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ है, उस प्रेमी की आहों ने ही कविता का रूप धारण कर लिया होगा। तो सुमित्रानंद पंत जी का यह मानना है कि कविता का जन्म किससे हुआ, कविता का जन्म हुआ वियोग व्यथा से। जब नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो गए तो उनके मन में जो व्यथा का भाव उत्पन्न हुआ, जो वेदना उत्पन्न हुई, उसी से कविता का जन्म हुआ। और उन्होंने लिखा है जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये सारे उदाहरण हमारे रिलेटेड, आपको एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूं कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आगे हम देखते हैं, वे लिखते हैं, प्रिया का ध्यान हृदय में वेदना की कथक उत्पन्न कर उसे अधीर कर देता है। मतलब उन्होंने वेदना का कैसे उल्लेख किया है, कैसे उसकी अभिव्यक्ति प्रदान की है उसे। तड़ित सा तुमकी तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पलक मार उर्चीर, गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर, मुझे करता है अधिक अधीर, जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण, खोजते हैं तब तुम्हें निदान। यह सुमित्रानंद पंत की विरह वेदना है। अब महादेवी वर्मा जी को तो वेदना की ही कवित्ती कहा जाता है। इनकी वेदना में जो दुख और करुणा का भाव है वह बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। तो महादेव जी के काव्य में क्या होता है, विरह एवं वेदना की अधिकता है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो वे क्या कहती हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो यह लिया गया है मैं नीर भरी दुख की बदली, जो कविता आपने पढ़ी होगी मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यह उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता यह है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हुआ, देख लीजिएगा, महादेव वर्मा की प्रतीक योजना के ऊपर, उनकी कविताओं के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा एक एपिसोड बनाया, उसको जरूर देखें आप। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रृंगार निरूपण संयोग और वियोग दोनों छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो एक प्रवृत्ति यह भी हो गई, श्रृंगार के अंतर्गत दोनों आते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नारी भावना, मतलब जो छायावादी काव्य में उसको उसमें स्त्री को अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिया गया है, भले उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया, लेकिन रीति काल में क्या है, नारियों को केवल भोग की वस्तु समझा जाता था, खाली भोग क्या समझा जाता था नारी को, लेकिन छायावादी काव्य में नारी को क्या है, अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिया गया है। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर, उदात्त मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री, बहुत ही ग्रेट दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मतलब होता है झरना या फिर स्रोत, प्रेरणा स्रोत माना है छायावादी कवियों ने, मानते हुए उसे गरिमा प्रदान की। वह दया क्षमा करुणा और प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा के पात्र है। तो जिस प्रकार रीतिकाल में क्या होता था, नारी को केवल भोग की वस्तु समझी जाती थी नारी, और उसको विलास की वस्तु समझा जाता था, तो मतलब कोई अच्छा मतलब कोई नजरिया नहीं था लोगों का। लेकिन छायावादी कविता में क्या है, नारी को प्रेरणा का स्रोत माना गया और उसे अत्यंत श्रद्धा और सम्मान और प्रेम उसके प्रति व्यक्त किया गया। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां जो प्राय परीक्षा में पूछी जाती है,
यह कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो जयशंकर प्रसाद जी की यह कविता है कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। सुमित्रा नंदन पंत ने भी नारी को देवी मां सहचरी प्राण कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया है। जयशंकर प्रसाद जी के हृदय में तो नारी का स्थान बहुत ही ऊंचा था। निम्न पंक्ति में से उनके विचारों को जाना जा सकता है। तो उनके नाटकों के में भी आप लोग देखेंगे कि उन्होंने नारी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। तुम देवी आ कितनी उदार, वह मातृमूर्ति है निर्विकार, हे सर्व मंगले तुम मती, सबका दुख अपने पर साथी। तो जयशंकर प्रसाद जी की यह कविता है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मतलब इन्होंने भी नारी को प्रेरणा स्रोत माना है कि पुरुष जब निराश हो जाता है तब उसके मन में आशा के संचार करने वाली शक्ति कौन सी होती है, नारी होती है। और राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। तो जैसे भगवान राम निराश होकर शिला पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ अंधकार है, वे बार बार रावण से पराजित हो रहे हैं, क्योंकि राम की शक्ति पूजा में आप पढ़े होंगे कि रावण की शक्ति जो देवी दुर्गा है उनकी सहायता कर रही है, तो वे निराश हृदय से वहां पर बैठे हैं। लेकिन जब उनको माँ सीता की स्मृति उनके मन में आती है, उनकी मधुर स्मृतियां जब उनके मन में आती हैं, तब उससे उनके मन में आशा का संचार हो जाता है कि नहीं, मैं युद्ध में विजयी होऊंगा और सीता को छुड़ाकर ले आऊंगा। तो यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत। तो ये राम की शक्ति पूजा से पंक्तियां ली गई हैं। इसके बाद रहस्य भावना, मतलब अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, जो छायावादी काव्य है इस पर अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य का प्रभाव है, जिसे हम स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। तो मैं बता चुका हूं कि छायावाद किससे प्रेरित है, जो यूरोप का जो रोमांटिसिज्म काव्य आंदोलन था, स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन, उसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित हुए पहले, या फिर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई वहां पर पश्चिम बंगाल में, तो वहां पुनर्जागरण पहले शुरू हुआ और रहस्यवादी कविताएं लिखी जाने लगी, और इसका प्रभाव पड़ा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर। तो उनसे प्रेरणा लेकर फिर हिंदी के कवि भी उसी तरह के कविता लिखने लगे, ऐसा माना जाता है। तो रहस्य भावना क्या होता है, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, मतलब सर्वत्र उस विराट सत्ता की चेतना का दर्शन करना। तो छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। इसको मिस्टिसिज्म कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम बोले तो मिस्टिसिज्म रहस्यवाद कहते हैं, और जो रोमांटिसिज्म को कहते हैं स्वच्छंदतावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त किया है। तो ये पूछा जाता है कि किस आलोचक ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। लेकिन वास्तव में छायावाद आजकल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, रोमांटिसिज्म के लिए, रहस्यवाद को माना जाता है मिस्टिसिज्म। अब सुमित्रा नंदन पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर ढंग से हुई है, आइए देखते हैं। न जाने कौन ए दितिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। यह मौन निमंत्रण कविता है सुमित्रा नंदन पंत की। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। तो जयशंकर प्रसाद जी कामायनी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हे अनंत रमणी कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। तो यह कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो अज्ञात सत्ता के प्रति उन्होंने उसके अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है तुम और मैं, तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निश्चित होने वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव है तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। इसके बाद महादेवी जी वर्मा जी हैं, इनके काव्य में तो रहस्यवाद सर्वत्र व्याप्त है, और इन्होंने उस विराट सत्ता के प्रति, उस असीम चेतना के प्रति अपनी प्रेम भावना के सर्वत्र अभिव्यक्ति की है। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, महादेवी वर्मा जी कहती हैं,
करुणामय को भाता है तम के पर्दों में आना, मतलब जो उनके प्रीतम है, जो प्रेमी है, वो कब आते हैं? रात के अंधेरे में आते हैं, क्योंकि उनको रात में आना पसंद है। लेकिन यह कोई भौतिक या मांसल प्रेम नहीं है, बल्कि उस असीम चेतना के प्रति उनका प्रेम यहां पर व्यक्त हुआ है, इसीलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी गई है। अब प्रकृति चित्रण, तो जितने भी छायावादी कवि हुए हैं वे प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो जो प्रकृति चित्रण है वह छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता मानी जा सकती है। जैसे कि यूरोप में जो रोमांटिसिज्म है, जिसे हम स्वच्छंदतावाद कहते हैं, उसके जो कवि हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ, वो भी उन्हें नेचर पोएट कहा जाता है। उसी प्रकार भारतीय साहित्य में सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चित्रे हैं, बहुत ही सुंदर चित्र उन्होंने शब्दों के माध्यम से बनाया हुआ है प्रकृति का। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए दिखाया है। तो ये जो कवि हैं, इन्होंने प्रकृति का क्या मानवीकरण किया है? जितने भी छायावादी कवि हैं, प्रायः उन्होंने प्रकृति का क्या किया है? मानवीकरण किया है, उसमें मानवीय चेतना का आरोप किया है। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। यह सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। यहां वायु को किसी आदमी की तरह, किसी व्यक्ति की तरह वायु को ठंडी सांस भरते हुए और आकाश को रोते हुए दिखाया गया है। सुमित्रानंदन पंत जी ने तो प्रकृति को ही अपनी काव्य की प्रेरणा माना है, और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि वे प्रकृति की सुंदरता को किसी स्त्री की सुंदरता से अधिक अच्छा बताते हैं, कि जब प्रकृति की सुंदरता है वह किसी नारी की सुंदरता से ज्यादा होता है, ऐसा उनका मानना है। मोह नामक कविता में सुमित्रानंदन पंत जी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। तो मोह नामक कविता में वे कहते हैं कि ठीक है कि नारी सुंदर होती है, कोई भी स्त्री सुंदर होती है, लेकिन किसी स्त्री की सुंदरता के सामने प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता किसी स्त्री की सुंदरता से अधिक होती है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं, ये प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्राकृतिक सूक्ष्मा, सूक्ष्मा मतलब सुंदरता का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलंबन बनाकर, प्रकृति को आधार बनाकर अपनी अनेक कविताओं में उन्होंने किया है। वस्तुतः आलंबन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, मतलब प्राकृतिक दृश्यों को देखकर उसके आधार पर उसकी सुंदरता का जो चित्रण किया जाता है वह छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है, छायावाद की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ जो यूरोपियन इंग्लैंड के कवि हैं, उन्हें कहा जाता है नेचर पोएट। दोनों में बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। सुमित्रानंदन पंत की बादल कविता में आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। आलंबन रूप मतलब उस पर बेस्ड, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो आप जो भरत मुनि का रस सिद्धांत है उसमें मैंने विस्तार से इस पर चर्चा की है, उस लेक्चर को आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं बहुत सारी बातों पर चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने हिमालय का निम्न चित्र अंकित किया है। कामायनी में उन्होंने हिमालय का चित्रण यहां पर किया है। लिखते हैं, संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। तो कामायनी की पंक्तियां हैं। कामायनी 1935 ईस्वी में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी, और इस पर जो शैव दर्शन, जिसके अंतर्गत प्रत्यभिज्ञा दर्शन आता है, उसका प्रभाव है। तो यह प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। आलंबन रूप के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में, उद्दीपन रूप में जो भावना को उत्तेजित करती हैं, उद्दीप्त करती हैं, उन्हें कहा जाता है उद्दीपन। आलंबन रूप के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में, अलंकार के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी काव्य में हुआ है। तो छायावादी काव्य में कई प्रकार से प्रकृति का निरूपण किया गया है, आलंबन के रूप में, उद्दीपन के रूप में, मानवीकरण के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, और भी विभिन्न प्रकार से। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा दी है। मतलब किस आलोचक ने छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा दी है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा है
प्रकृतिवाद मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई, प्रकृति पर आधारित। प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद के बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्तिसंगत होगा, अधिक उचित होगा, उनका यह मानना है, क्योंकि सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों का, प्रकृति के विभिन्न उपादानों का चित्रण अपने काव्य में किया है। इसलिए यदि हम छायावादी काव्य को यदि हम प्रकृतिवाद कहें तब भी यह उचित होगा, ऐसा उनका मानना है। इसके बाद दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। छायावादी जितने भी कवि हुए हैं, प्रसाद, पंथ, निराला, महादेवी वर्मा, सभी ने अपने निजी जीवन की दुख और वेदना को अपने काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान की है। छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है, यह इसकी एक प्रमुख विशेषता है। और महादेवी वर्मा को तो वेदना की कवित्व ही कहा जाता है। वे वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई कहती हैं। तो महादेवी वर्मा के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव है और बौद्ध धर्म में करुणा और शोक की भावना प्रमुख होती है। वास्तव में जो महादेवी वर्मा है, बचपन में उनकी शादी हो गई थी और लेकिन वास्तव में उनका दाम्पत्य जीवन उस तरफ नहीं चला, वो अकेले ही रहती थी। और दूसरी बात यह है कि वे बौद्ध बिछुड़ी बनना चाहती थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया था, लेकिन वो शादी हो चुकी थी उनकी, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी। तो यह मैं नीर भरी दुख की बदली में उन्होंने लिखा हुआ है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा की अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये और बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप जरूर पढ़िए। तो छायावादी कविता में आपको एक गीत की अनुभूति होती है, गीत और प्रगीत, मतलब जिसको जिसमें लय, सुर, ताल, छंद सब होता है, जिसको हम गा सकते हैं, तो इतने बेहतरीन उन्होंने लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा के गद्य और पद्य में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। तो यहां बौद्ध दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर किसका प्रभाव था, शैव दर्शन का, प्रतिभिज्ञा दर्शन का, और जो सुमित्रानंदन पंत के ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव था, और जो निराला जी हैं उनके ऊपर अद्वैतवाद के प्रशंसक थे, उसके फॉलोअर थे, विशिष्टाद्वैतवाद आप कह सकते हैं उसे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है जो बीच बीच में आपको बताता हूं, इसको आपको ध्यान से आप नोट कर लें, और क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा के जो काव्य में जो वेदना है उन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता है, क्योंकि उन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है और बौद्ध दर्शन में करुणा और शोक और वेदना को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य में भी वेदना की ही कहानी है, ठीक है। वेदना की कहानी क्या कहता है, क्या कहते हैं वो, उन्होंने अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की है। वे कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो आंसू कविता की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी ने परिवर्तन नामक कविता में यह स्वीकार किया है कि इस संसार में दुख की अधिकता है, यहां शांति जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं हो सकती। सुमित्रानंदन पंत जी का भी यह मानना है, यह जो संसार है दुखों से भरा हुआ है, मतलब यहां दुख की अधिकता है और सुख बहुत कम है। तो वे क्या लिखते हैं यहां पर, यहां सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, विथार यह अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। सुमित्रानंदन पंत, जब भी परीक्षा में आप उत्तर लिखते हैं और कोई पॉइंट लिखते हैं तो उसके समर्थन में आपको इन पंक्तियों को कोट करना जरूरी है, उद्धृत करना जरूरी है। डिफरेंट कलर के पेन से आप लिखे तो ज्यादा अच्छा है, इससे क्या है आपको अच्छे अंक मिलते हैं, इससे जो आपका मूल्यांकन करता है उसको पता चलता है कि आपको इसकी पूरी तरह समझ है और इसने आपने इसकी अच्छी तरह से तैयारी करके लिखी है। तो मैं आपको यह भी बताता हूं कि परीक्षा में आप उत्तर कैसे लिखें, मतलब हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज इन अ सिस्टमेटिक वे, दैट इज रेदर मोर इम्पॉर्टेंट। जितना आप जानते हैं उससे भी ज्यादा यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को, अपने आइडियाज को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं। तो मैं बहुत सारी बातें आपको बताता हूं, लेकिन फायदा उसी को होता है जो शुरू से अंत तक मेरे लेक्चर्स को देखता है। अब राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। आपको पता है छायावादी कविता का जो कालखंड है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड में जो कविता लिखी गई उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं, और वही समय भारतीय राजनीति के बहुत उथल पुथल का दौर था, क्योंकि भारत आजाद नहीं हुआ था और स्वतंत्रता संघर्ष अपने चरम स्थिति पर था, और उसी समय महात्मा गांधी का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में उदय होता है। तो उस समय जो कविताएं लिखी गई, जो नाटक लिखे गए, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति चरम रूप में विद्यमान थी, और छायावादी कविता की यह प्रमुख प्रवृत्ति या प्रमुख विशेषता मानी जाती है। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर मुखरित हुए हैं
और जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है, अपने नाटकों में जिन गीतों की व्यवस्था की है, जिन गीतों को उन्होंने लिखा है अपने नाटकों में, उनमें राष्ट्रीय भावना की बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के जो प्राचीन गौरव हैं, जो भारतवर्ष जो प्राचीन गौरवशाली परंपरा रही है, भारत की जो अतीत की गौरवशाली परंपरा रही है, उसके बहुत ही सुंदर चित्र उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और अपने नाटकों में देश की महिमा का बखान करने वाली कई बहुत ही बेहतरीन कविताएं उन्होंने लिखी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी को हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, बहुत ही राष्ट्रवादी कवि हैं, और इनके गीतों में जो राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा, यह कविता उन्होंने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नाम का एक शहर है, वहां के जेल में उन्होंने लिखी थी। तो पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले। मतलब एक फूल की जो कामना है कि वो कहां कहां चढ़ाया जाना पसंद कर रही है, वह फूल चाहता क्या चाहता है फूल या पुष्प। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इतनी बेहतरीन पंक्तियां हैं और हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से नितांत उदासीन नहीं थे। मतलब यद्यपि छायावादी कवियों ने अपनी निजी अनुभूतियों को वरीयता प्रदान की, अपनी आत्माभिव्यंजना को उन्होंने प्रमुखता दी, अपनी निजी अनुभूतियों अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपनी राष्ट्रीय समस्याओं से रूबरू नहीं थे या राष्ट्रीय समस्याओं के से उन्होंने आंख मूंद लिया था, ऐसा भी नहीं है। बल्कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चेतना को राष्ट्रीय चेतना में समाहित कर दिया था। इस प्रकार वे अपने युग से उदासीन नहीं थे। इसके बाद मानवतावाद। मानवतावाद क्या होता है? दुनिया में जितने भी प्राणी हैं या मानव हैं, उनके जो कल्याण की भावना होती है, उसे कहा जाता है मानवतावाद। मानवतावाद मुख्यतः लोगों के चारित्रिक उत्थान, लोगों में उत्कृष्ट और अच्छी भावना और अच्छे, मतलब उनका जीवन यापन वो अच्छे से कर सकें, सभी संसार में सुखी हों, उत्कृष्ट गुणों का उनका विकास हो सभी मानवों में, और सभी प्राणी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसे कहा जाता है मानवतावाद। तो छायावादी वैयक्तिक मुक्ति की संकल्पना विस्तृत होते होते मानव मात्र की मुक्ति की संकल्पना में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि छायावादी काव्य में व्यक्तिगत मुक्ति की वकालत की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की मुक्ति का जो प्रश्न है, वह बाद में पूरे समाज के सभी लोगों की मुक्ति के प्रश्न से जाकर जुड़ जाता है। छायावाद के मय में हम भी समाहित हो जाता है। जो छायावाद मय तो जरूर मय से शुरू होता है, लेकिन वह जैसे बहुत सारी नदियां जाकर सागर में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार छायावादी कवियों का जो मय है वह हम में, अर्थात समाज में, राष्ट्र में जाकर विलीन हो जाता है, और उनकी निजी अनुभूतियां राष्ट्रीय अनुभूतियों से जाकर जुड़ जाती हैं। जब निराला के राम अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी चिंता महज अपहर्ता के चंगुल से अपनी पत्नी तो मुक्त करवाना भर नहीं है, वरन सत और असत, मानव और राक्षस, न्याय और अन्याय के बीच चलने वाले संघर्ष में मानवता, न्याय और सत्य को विजय दिलवाना है। यह राम की चिंता व्यक्तिगत कम और समष्टिगत ज्यादा है, जो मानवीयता से प्रेरित है। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, जो राम की शक्ति पूजा है, यहां पर निराला जी ने भगवान राम का चित्रण भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, परमपिता परमेश्वर के रूप में नहीं किया है, बल्कि एक सामान्य पुरुष के रूप में किया है, जिनके मन में निराशा भी है, अंधकार भी है, कुछ इच्छाएं भी हैं, आकांक्षाएं भी हैं। तो यहां पर शक्ति बार बार रावण का सहायता कर रही है दुर्गा, और इसीलिए भगवान राम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान राम क्या कहते हैं? अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम की चिंता केवल माता सीता की मुक्ति नहीं है, कि वह सीता जी को छुड़ा कर ले आएंगे, बस ये नहीं है, बल्कि उनकी मुक्ति क्या है? जो अन्याय, जो वहां पर जो राक्षस है उनका अत्याचार है, जो अन्याय है, जो असत्य है, उन पर विजय प्राप्त करना और मानवीयता और न्याय और सत्य को विजय दिलवाना है। इसलिए हम क्या दशहरा का पर्व मनाते हैं, और इत्तफाक से अभी नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है। तो यहां भगवान राम की चिंता व्यक्तिगत चिंता कम है, बल्कि समष्टिगत ज्यादा है, समाज के लिए ज्यादा चिंतित है वो, और समाज को अत्याचारों से, अन्यायी लोगों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो जो कि मानवीयता से प्रेरित है, और इसे ही कहते हैं मानवतावाद। अब शिल्पगत प्रवृत्तियां। शिल्पगत मतलब
वे ऑफ राइटिंग मतलब डिजाइन कैसा है, रूप कैसा है। छायावादी कवि में कवि किस प्रकार के डिजाइन से किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का, छंदों का प्रयोग करते हैं, इसे कहा जाता है शिल्पगत प्रवृत्तियां। दस अब पहला यह भाषा देखते हैं। शिल्पगत प्रवृत्ति के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है भाषा। भाषा की कोमलता छायावाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। छायावादी कवियों ने बहुत ही कोमल कांत मधुर पदावली की रचना की है जो बहुत ही कर्णप्रिय है, जो बहुत ही मधुर है, और इन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर गीतों की रचना और प्रगीतों की रचना इन्होंने की है। छायावाद की खड़ी बोली कविता के समक्ष, छायावादी की खड़ी बोली कविता के समक्ष ब्रजभाषा खुरदुरी प्रतीत हुई, और ब्रजभाषा समर्थकों का यह दावा निरर्थक सिद्ध हुआ कि खड़ी बोली में मधुर भाव के व्यक्ति नहीं हो सकती थी। क्योंकि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो कालखंड था, है ना, भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आया, उसमें यद्यपि गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई थी, लेकिन पद्य की भाषा के रूप में अभी भी खड़ी बोली को मान्यता नहीं मिल पाई थी। अधिकांश कवि ब्रज भाषा में लिखना पसंद करते थे और उनका यह मानना था कि खड़ी बोली ब्रज भाषा जितनी मधुर नहीं है, मतलब खड़ी बोली। लेकिन बाद में जब खड़ी बोली में इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी छायावादी कवियों ने, तब उनको पता चला कि जो खड़ी बोली है उसमें भी मधुर और कोमल कांत पदावली की रचना की जा सकती है और उसके सामने ब्रज भाषा कहीं नहीं ठहरती। तो कोमलकांत पदावली मतलब पढ़ने सुनने में जो कर्णप्रिय है, मधुर है, कोमल है, लयात्मकता जिसमें लय है, सुर है, ताल है, जिसको हम गा सकते हैं, संगीतात्मा जिसको हम संगीत के माध्यम से गाना के रूप में गा सकते हैं, गीत और प्रगीत में पिरो सकते हैं, ये सभी छायावादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। एक उदाहरण देते हैं। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को इसीलिए क्या कहा जाता है, शब्द शिल्पी मतलब नए नए सुंदर शब्दों का निर्माण करना, इन्हें कहा जाता है शब्द शिल्पी, क्योंकि बहुत सुंदर शब्द इन्होंने लिखा है। अलंकार, नवीन अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से भी छायावादी काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए नए अलंकार के प्रयोग किए गए, हालांकि कुछ ऐसे अलंकार थे जो बाहर से आयातित थे, यूरोपियन कंट्री से। छायावाद ने अंग्रेजी साहित्य से इन्होंने दो अलंकार लिया है। पहला है मानवीकरण अलंकार मतलब पर्सनिफिकेशन, जिसमें प्रकृति का या फिर निजी वस्तुओं का जो चित्रण होता है उसका मानवीकरण कर दिया जाता है, मानव के रूप में उसका चित्रण होता है। और विशेषण विपर्यय ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब कभी किसी और चीज की विशेषता बताते हैं लेकिन वह वास्तव में किसी अन्य चीज की विशेषता होता है। तो हिंदी काव्य संसार को दिए जो छायावाद के कला पक्ष की एक उल्लेखनीय विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ये दो अलंकार मानवीकरण और विशेषण विपर्यय दो अलंकार हैं जो पाश्चात्य देशों से आयातित हैं, आए हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी ने राज जी ने संध्या सुंदरी कविता में लिखा है, दिल साओ सान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे, तीरा निराला जी ने लिखी है। विशेषण विपर्यय का एक और उदाहरण है, तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता जब अल्हड़ खेल। सुमित्रानंदन पंत जी अपने नायिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में जो मासूमियत है उसको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अब ये छंद में किस प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है, अब ये विभिन्न प्रकार के छंदों के नाम है, इसका जब अलग से हम टॉपिक डील करेंगे तब उस पर चर्चा होगी। इस पर ये सब छंद के नाम है। छायावादी काव्य में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है, मालिनी है ना, वसंत तिलका, हरि गीतका और रूपमाला, राधिका, सखी एवं आतुकांत, छंदों के साथ साथ मुक्त छंद की प्रतिष्ठा पहली बार हुई। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, उन्हें पहली बार जूही की कली कविता जो 1916 में प्रकाशित हुई थी उसमें मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। और उन्होंने कहा परिमल की भूमिका में कि जिस प्रकार लोगों की मुक्ति आवश्यक है उसी प्रकार कविता के लिए भी छंदों की मुक्ति आवश्यक है। तो जिनकी जूही की कली मुक्त छंद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मुक्त छंद मतलब जिसमें कोई मात्रा, यहां इतना मात्रा होना चाहिए नहीं, इससे कोई जरूरत नहीं है मात्रा काउंट करने की, आप अपने हिसाब से लिखते चले जाइए। कोई निश्चित मात्रा का जैसे दोहा, छंद, रोला, सोठा में जैसे हम मात्रा गिनते हैं वैसी इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती, मतलब हर व्यक्ति कविता लिख सकता है। विजयनवन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, अमल कोमल तनु तरणी। तो जूही की कली परिमल नामक इनका जो काव्य संग्रह है इसमें प्रकाशित हुआ था। तो यहां से मुक्त छंद का प्रवर्तन होता है, जिसे कुछ कवि कैचुआ छंद भी कहते थे,
व्यंग्य के रूप में केचुआ छंद भी कहते थे, क्योंकि यह छंद कहीं पर भी फैल जाता है और कहीं पर भी सिकुड़ जाता है। तो मुक्त छंद को केचुआ छंद भी कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। और 10 का प्रतीकात्मकता। प्रतीक क्या होता है? किसी दूसरी चीज के स्थान पर किसी दूसरी चीज के माध्यम से हम उसको अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वह हमारी राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। तो इसी प्रकार प्रतीकों का प्रयोग छायावादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता है और उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का सफल प्रयोग किया है। प्रतीकात्मकता छायावादी काव्यशैली की एक विशिष्ट प्रवृत्ति थी, बहुत ही प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने परंपरागत एवं रूढ़ प्रतीकों को एक नई अर्थवत्ता प्रदान की। पहले से जो चले आ रहे जो प्रतीक थे, जिन पुराने प्रतीकों का प्रयोग करते आ रहे थे कवि, उसको उन्होंने नया अर्थ प्रदान किया। तो जो रूढ़ हो गए थे जो प्रतीक, उसको उन्होंने एक नया अर्थ, नई चेतना प्रदान की। इसके साथ साथ प्रतीकों के लिए नए नए स्रोतों का चयन किया, विभिन्न स्रोतों से प्रतीक उठाए। और महादेवी वर्मा के प्रतीक योजना करके मैंने एक बनाया हुआ है वीडियो, उसको जरूर देखें। प्रतीकवाद पर, प्रतीकों पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां जाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत बेहतर ढंग से मेरी बातों को समझ पाएंगे। तो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न स्रोतों से अपने प्रतीक उठाते हैं। छायावादी कवियों के प्रतीक स्वच्छंद किस्म के होने के साथ साथ अभीष्ट अर्थ व्यक्त करने में समर्थ है। यदि वे स्वच्छंद प्रकृति के हैं, कहीं से भी उन्होंने प्रतीक उठा लिया है, लेकिन यह प्रतीक मतलब कवि जिस अर्थ को अभिव्यक्त करना चाहता है, उस अर्थ की अभिव्यक्ति में यह प्रतीक पूरी तरह से सफल होते हैं। छायावादी प्रतीकात्मकता का एक उदाहरण इस प्रकार है। बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। जयशंकर प्रसाद जी, जो भी आप लिख रहे हैं उसके समर्थन में आपको दो चार पंक्तियां हमेशा कोट करनी चाहिए परीक्षा में, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो। अब बिंब विधान क्या होता है? बिंब का निर्माण करना, इमेज का निर्माण करना, मतलब शब्दों के माध्यम से जब कवि हमारे मन में कोई चित्र निर्मित कर देता है, कोई भाव निर्मित कर देता है, कोई इमेज बना देता है, उसे हम कहते हैं बिंब विधान। बिंब विधान छायावाद की विशिष्ट प्रकृति थी। छायावादी कवियों ने प्रायः प्राकृतिक सौंदर्य के बहुत ही सुंदर सुंदर बिंब प्रस्तुत किए हैं और इसमें उन्हें बहुत ज्यादा सफलता भी मिली है। तो छायावादी काल में किस प्रकार के बिंबों का निर्माण किया गया, कहां से बिंब लिए, बिंब विधान के लिए सामग्री ले गई? बिंब विधान मतलब बिंब का निर्माण, इमेज का निर्माण। ऐतिहासिक, पौराणिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान, सभी प्रकार के क्षेत्रों से उन्होंने बिंब विधान के लिए सामग्री लिया है। छायावादी कविता के एक सर्वथा मौलिक बिंब उदाहरण, बिंब विधान का उदाहरण देखें। तो देखिए, जब कामायनी में जो श्रद्धा है, जिसे हम कामायनी कहते हैं, जब उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं कवि, तो किस प्रकार बिंब का, किस प्रकार इमेज का निर्माण करते हैं, देखिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। जो कामायनी है, नीला कपड़ा पहनी हुई है और उसके शरीर, उनके शरीर के कुछ हिस्से हमको दिखाई दे रहे हैं, कोमल हिस्से जो उनके शरीर के दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़े से ढके हुए हैं, थोड़े से दिख रहे हैं। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीज गुलाबी रंग। जैसे नीले आकाश में जब बिजली चमकती है तो हमारी आंखें चौंधिया रहती है, उसी तरह से श्रद्धा का सौंदर्य है कामायनी। कभी बाद में इस पर चर्चा करेंगे। कामायनी एक महाकाव्य करके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, कामायनी का महाकाव्य। गीत और प्रगीत से तात्पर्य है वह कविता जिसको हम गीतों के रूप में गा सकते हैं, जिसको संगीतबद्ध किया जा सकता है, जिसमें लय, सुर, ताल, छंद सबका बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया जाता है। गीत और प्रगीत की दृष्टि से छायावादी काव्य अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। निर्जा, तो महादेवी वर्मा जी के जो काव्य संकलन है, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगी, दीपशिखा, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो निर्जा में संग्रहित महादेवी वर्मा जी के गीत अत्यंत अद्भुत हैं, बहुत ही मधुर हैं। महादेवी जी नहीं बल्कि छायावाद के जितने भी चार कवि हुए हैं, जो आधार स्तंभ है, मुकुटधर पांडे जी तो प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन जो छायावाद के चार प्रमुख कवि हुए हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, सभी ने बहुत ही बेहतरीन गीतों की रचना की है, जिसमें आत्मा विव्यंजना, आत्मा विव्यंजना मतलब कवि की निजी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान करना, तीव्र अनुभूति मतलब और भावोद्रेकता मतलब फीलिंग्स और इमोशंस की इंटेंसिटी मतलब भावनाओं की तीव्रता, संक्षिप्तता मतलब छोटे छोटे शब्दों में बहुत ही सुंदर, जैसे मैं नीर भरे दुख की बदली, संक्षिप्त रूप में उन्होंने गीति काव्य की रचना की है। तो यह उनके गीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। गीति काव्य मतलब जिसमें गीत और प्रगीत की रचना की जाती है। छायावादी गीत का एक उदाहरण इस प्रकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो यह महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं।
अब पाश्चात्य काव्य परंपरा में शोक गीति का प्रारंभ करने वाले निराला की सर्वजी स्मृति कविता न सिर्फ छायावादी काव्य की बल्कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। इसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। जैसे जो यूरोपीय कंट्रीज में जब कोई मर जाता है तो कवियों के द्वारा शोक गीत एलिजी बोलते हैं वो लिखने की परंपरा है। शोक गीत लिखने की परंपरा यूरोप से आई है। तो जब इनकी पुत्री का निधन हो गया जिसका नाम सरोज था तब उसकी स्मृति में उन्होंने एक कविता लिखी सरोज स्मृति। और क्या लिखा उन्होंने, मुझ भाग्यहीन की तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो ये सरोज स्मृति जो इनका शोक गीत है उस स्तर का शोक गीत बाद में आज तक नहीं लिखा गया है। तो ये सरोज स्मृति निराला जी की अत्यंत ही बहुत ही करुण कारुणिक भावनाओं की इन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए कितना द्रवित हो सकता है उसके दुख और उसकी उसके जीवन में जो वेदना और जो पीड़ा है। और निराला जी की उसकी मृत्यु के बाद जितना दुखी होते हैं उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो ये आप जरूर पढ़ें। निष्कर्ष, अब हम ये निष्कर्ष जब भी कोई आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं किसी भी परीक्षा में चाहे यूपीएससी में चाहे ग्रेजुएशन में चाहे स्नातक में या कहीं भी तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से लिखें। निष्कर्ष में क्या लिखना है, ऊपर जितनी भी बातें आपके बताई गई हैं उसका सार रूप में आपको यहाँ पर लिखना होता है। खासकर जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यूपीएससी का जो लेक्चर्स का बहुत डिमांड होता है और ये बहुत ही प्राइम मतलब बहुत ही प्रीमियम कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं तो इसको आप जरूर ध्यान से देखें। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य विषय वस्तु मतलब कंटेंट और शिल्प मतलब डिजाइन या रूप भाषाशैली छंद विधान प्रतीक विधान इत्यादि दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए हैं। मतलब इसका कंटेंट भी नया है और इसका डिजाइन है रूप है शैली भी शिल्प और शैली दोनों ही नया है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, लाक्षणिक भाषा मतलब तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं अभिधा लक्षणा और व्यंजना। तो लाक्षणिकता का संबंध होता है लक्षणा शब्द शक्ति से। प्रतीकात्मक शैली प्रतीकों का प्रयोग किया इन्होंने। उपचार वक्रता विभिन्न प्रकार से चीजों को टेढ़े मेढ़े ढंग से कहना अद्भुत ढंग से कहना आश्चर्यजनक ढंग से कहना। और नवीन अलंकारों का प्रयोग नए नए अलंकारों का प्रयोग और उनका निर्माण इस कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई देती है। शिल्प के स्तर पर भी यहां नवीनता दिखाई देती है। और स्मितानंदन पंडित जी की इन पंक्तियों में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता का एक साथ देखा जा सकता है। अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के बोल खिले भी चुम्बन शून्य कपोल हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार वाताहत लतिका व सुकुमार पड़ी है चिन्हाधार स्मितानंदन पंत। मतलब नायिका की अभी भी शादी हुई है हाथ से उसके मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे हैं और वह क्या है विधवा हो जाती है तब उसकी क्या दुर्दशा होती है उसका यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई आर्मी में कोई ऑफिसर या कोई सैनिक है शादी के तुरंत बाद उसको जाना पड़ जाता है मोर्चे में और कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी विधवा की जो स्थिति होती है कितनी भी दयनीय और दर्दनाक होती है कितनी करुण होती है। तो यहां पर जो सुकुमार लता उस नवयुवती का प्रतीक है जिसका सुहाग उजड़ गया है। सिंदूर का अंगार बनना क्या बताता है कि वह विधवा हो गई है। अतः भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है इसे कहते हैं लाक्षणिकता। छायावादी काव्य में पारंपरिक अलंकारों का प्रयोग हुई है बाद में तो विशेषण भी पर्याय जो पाश्चात्य देशों से आयातित है और मानवीकरण यह भी विदेशों से आयातित है यूरोपीय देशों से। ध्वन्यार्थ व्यंजना मतलब पढ़ने में एक ध्वनि एक गूंज सुनाई देती है और विरोधाभास अलंकार भी प्रचुरता से प्रयुक्त किए गए हैं। अमूर्त उपमान भी इस काव्य की विशेषता है मतलब मूर्त के जगह में अमूर्त प्रतीकों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। मुक्तक गीति शैली जैसे मुक्तक में चार चार पंक्तियों में जो गीत लिखते हैं वैसी मुक्तक गीति शैली। और चित्रपम भाषा, चित्रपम भाषा मतलब जिसको पढ़कर हमारे दिमाग में एक बिंब का निर्माण होता है एक इमेज का निर्माण होता है एक चित्र निर्मित हो जाता है। इसके साथ इन्होंने नए नए छंदों का प्रयोग किया है। तो यह छायावादी काव्य के शिल्प की एक प्रमुख विशेषता है इनकी विशेषताएं। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छायावादी हिंदी काव्य का एक गौरवपूर्ण अध्याय है तथा स्मितानंदन पंत जयशंकर प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं ऐसे कवि हैं ऐसे लेखक हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य आज अत्यंत अत्यंत समृद्ध है और इनकी अच्छी रचनाओं को हमको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपने छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं को भलीभांति समझ लिया होगा। और यदि आज का मेरा यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ज्यादा से ज्यादा मेरे लेक्चर्स को आप शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।